नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 21 चैनल पर, जहां हर खबर है फटाफट और मजेदार। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहां आपको मिलेगी ताजा खबरें और धमाकेदार इंटरव्यूज और ढेर सारा मनोरंजन। तो देर किस बात की है, न्यूज 21 के साथ जुड़े और बने रहें सबसे आगे। जोधपुर आयुक्तालय के पुलिस थाना खांडा फलसा में कार्यरत दो कांस्टेबल जैमल राम और नरेंद्र कुमार को आज एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरणा ने बताया कि एसीबी पाली द्वितीय इकाई को एक परिवादी द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया था कि एक मुकदमे में मदद करने के एवज में जांच अधिकारी देव उपनिरीक्षक के नाम पर दोनों कांस्टेबलों ने 25,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। एसीबी जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस हरेंद्र महावर के सुपरविजन में एसीबी पाली द्वितीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीव सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। परिवादी के खिलाफ खांडा पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हो रखा था, जिसमें जांच अधिकारी जांच कर रहा था। उस जांच अधिकारी के नाम पे परिवादी की मदद करने के एवज में ये कांस्टेबल जैमल राम और ये नरेंद्र कुमार ने रिश्वत राशि प्राप्त की, जिसमें उनको ट्रैप किया गया और अग्रिम कार्रवाई जारी है। सर, जो है कौन जांच अधिकारी, मामला किस तरीके था, इसके बारे में और किस तरह से ट्रैप की कार्रवाई की गई? कोई मारपीट का मैटर था, उसमें कोई मदद करने के एवज में मांग रहे थे। जांच अधिकारी कोई महिला सब इंस्पेक्टर है, उनके नाम पे इन लोगों ने ये मांग रहे थे। उनकी कोई भूमिका या अभी उनकी भूमिका कोई जांच के दोनों एक साथ रिश्वत दी थी या कोई फोन पर आपने कंफर्मेशन करवाई, किस तरह से इनको पकड़ा था? तो पहले वेरिफिकेशन हो रखा था उसमें, और आज ये ट्रैप कर रही है उसकी, और अभी आगे अनुसंधान जारी है।